गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में पिछले सेशन में हिंदी व्याकरण में पार्ट एक है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो पिछले सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे भाषा के बारे में। आइए आपको हम एक बार और समझा दे रहे हैं कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बातों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। यानी कि हम अपनी जो भाषा है उसे बोलकर या लिखकर दूसरों तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं और उनकी बातों को क्या करते हैं, समझते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा तीन प्रकार के होते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम अपने मन के भाव को क्या करते हैं, बोलकर प्रकट किया जा सकता है। हम अपने भावों को क्या करते हैं, बोलकर प्रकट करते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, हम अपने मन के भावों को लिखकर भी प्रकट करते हैं और हम अपने मन के भावों को संकेत से भी प्रकट किया जा सकता है। जिस साधन या माध्यम के द्वारा हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि भाषा के तीन प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं, जब हम अपने आसपास के लोगों को बोलकर अपनी बातों को समझाते हैं, फिर समझाते हैं या फिर उनकी बातों को सुनते हैं, तो उसे हम मौखिक भाषा या कथित भाषा कहलाते हैं। मौखिक भाषा का प्रयोग पढ़े लिखे भी लोग कर सकते हैं और अनपढ़ लोग जो होते हैं वह भी कर सकते हैं। लिखित भाषा, जब हम अपने मित्रों, संबंधियों या परिचितों को लिख कर क्या करते हैं, अपनी बात को समझाते हैं, तो इसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। लिखित भाषा का प्रयोग केवल पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं, इसे अनपढ़ लोग नहीं कर सकते। लेकिन मौखिक भाषा में क्या होते हैं, पढ़े लिखे लोग और बिना पढ़े लिखे लोग दोनों कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखित भाषा को का प्रयोग सिर्फ केवल पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट है सांकेतिक भाषा। जब हम किसी को अपनी बात क्या करते हैं, संकेत के द्वारा या फिर इशारे के द्वारा उसे समझाते हैं, तो उसे भाषा का सांकेतिक रूप कहते हैं। हमारे देश में क्या है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे हम लोग क्या होता है, असम में क्या करते हैं, असमिया बोलते हैं, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल, पश्चिम बंगाल में बांग्ला और कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, महाराष्ट्र में क्या होता है, मराठी, उड़ीसा में उड़िया और आंध्र प्रदेश में क्या है, हम लोग तेलुगु बोलते हैं। राज्यों की तरह पूरे राष्ट्र की अपनी एक भाषा होती है जिसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं। हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है, तो बच्चों हिंदी है। आप लोग को पता है हमारे राष्ट्र की राष्ट्रभाषा जो है वह हिंदी है। अब हम लोग जानेंगे कि लिपि किसे कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने या पढ़ने के लिए हम
बंगला की बांग्ला और संस्कृत की देवनागरी। तो इस तरह क्या होता है, प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी जो है वह लिपि होती है। तो क्या होता है, भाषा जो है वह वाक्यों से बनती है और उन वाक्यों को क्या करते हैं, वह जो वाक्य है किससे बनते हैं, तो शब्द से बनते हैं। परंतु शब्दों का क्या होता है, एक निश्चित क्रम होता है। अगर क्या होगा कि एक निश्चित क्रम में हम शब्दों को नहीं डालेंगे तो क्या होगा, हमारा वाक्य जो है वह सही नहीं हो सकता है। इसीलिए शब्दों को हमें निश्चित क्रम में डालना बहुत जरूरी है। मनमाने ढंग से अगर हम शब्दों को अगर क्या करें, इधर उधर अगर रख दें तो क्या होगा, हमारा वाक्य जो है कभी भी सही नहीं हो सकता। अगर हम बोले कि दादाजी पढ़ रहे हैं अखबार, तो क्या यह वाक्य सही है, अखबार रहे हैं पढ़ दादाजी, तो ये वाक्य भी सही है, नहीं। हाँ, पढ़ रहे हैं अखबार दादाजी, तो ये वाक्य सही है, तो ये भी सही वाक्य नहीं है। यहाँ क्या होना चाहिए, शब्दों को हमें निश्चित क्रम में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, यह निश्चित क्रम में क्या होगा, एक वाक्य बनेगा। तो इन तीनों वाक्यों में शब्दों को अलग अलग ढंग से रखा गया था, पर तीनों वाक्यों को का ढंग जो था वह क्या था, बिल्कुल गलत था। इसलिए तीनों वाक्य थे बिल्कुल गलत थे। और शब्दों को ढंग से अगर हम सजाएंगे तो क्या होगा, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि कैसे पता चलेगा कि ऊपर दिए गए तीनों वाक्यों में वाक्य सही है, तो यह हमें कौन बताता है, यह हमें व्याकरण बताता है। ठीक हो गया, बहुत हो गया, नहीं ध्यान दे दीजिए क्या कहने की हो रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण के बारे में अब हम लोग जानेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण जो है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना पढ़ना और लिखना। व्याकरण में क्या होता है कि व्याकरण जो है वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध लिखना सिखाता है। तो व्याकरण के द्वारा ही हमें इन सब सारी बातों का ज्ञान होता है कि यह हमें शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना और बोलना सिखाता है। संसार की सभी भाषाओं में अपना अपना व्याकरण होता है। व्याकरण का ठीक ठाक ज्ञान न होने पर हम भाषा का ठीक ठाक और प्रभावशाली ढंग से क्या करते हैं, हम प्रयोग कर सकते हैं। हम जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो है वह कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं और उन ध्वनि को लिखने के लिए तथा पढ़ने के लिए कुछ चिन्हों का जो है वह प्रयोग किया जाता है, तो उसे लिपि कहते हैं। तो समझ गए बच्चों कि मैंने इससे पहले बताया था कि लिपि किसे कहते हैं, तो कुछ जो ध्वनियाँ होती हैं उसको लिखने के लिए जो है कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। लेकिन व्याकरण जो है वह शास्त्र है जिसे पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शुद्ध शुद्ध भाषा का शुद्ध शुद्ध बोलना पढ़ना लिखना आना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, व्याकरण कहेंगे। ठीक है बच्चों, आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा, भाषा लिपि और व्याकरण, आप इसे पढ़िए समझिए और याद कीजिए। इसके प्रश्न उत्तरों को भी आप बनाइए और बना करके चेक करवाइए।